everyone, welcome back to my channel Easy Breezy, where we talk about fashion, beauty, lifestyle and travel vlogs. So friends, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो है कैमरा लेंस जैसा दिखने वाला एक कॉफी मग. आजकल फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स भी इसे यूज कर रहे हैं. सो मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार मैं भी इसको ऑर्डर करके देखूं एंड यूज करके देखूं. तो मैंने इसको ऑर्डर किया है अमेजोन से, ये आ चुका है और अब मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मुझे ऐसी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में रिसीव हुआ है. सो टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस मग, इसका जो एमआरपी है वो 400 रुपीज है और इसका जो क्वांटिटी है वो 400 ml का है. बट आफ्टर डिस्काउंट अमेजोन से लेने के बाद ये मुझे अराउंड 250 मिल गया था. तो अलग अलग ऑफर्स अमेजोन पे चलते रहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं. चलिए अभी इसे ओपन करके देखते हैं. सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, इसके साथ मुझे ये एक बैग भी मिला है. अभी ओपन करके देखते हैं. सो फ्रेंड्स वाओ, जस्ट लुक एट इट, ये कम्प्लीटली हमें कैमरा लेंस की तरह ही लग रहा है. अगर हम इसे एज अ डेकोर पीस रख दें तो कोई नहीं कहेगा कि ये कैमरा लेंस नहीं है. सो देखने में तो ये बहुत ही अच्छा है और इस पर कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, जो भी कैमरा लेंस के स्पेसिफिकेशन होते हैं उस टाइप के ही डिटेल्स इन्होंने मेंशन करने की कोशिश की है. तो ये बहुत अच्छा लग रहा है एंड इंस्टेड ऑफ कैनन दे हैव यूज्ड कैनन, सो ऑब्वियस रीजंस. और यहाँ पर ये बटन्स वगैरह भी दिए हैं जो इसकी लुक को एकदम कम्प्लीटली कैमरा लेंस की तरह ही दिखा रहे हैं. सो दिखने में तो ये काफी अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा ही लग रहा है अभी तक. तो अब देखते हैं कि और क्या इसके फीचर्स हैं. तो फ्रेंड्स, ये जैसा मैंने बताया कॉफी मग है, बट ये हम एज अ सिपर भी यूज कर सकते हैं. सो सिपर के लिए उन्होंने क्या प्रोविजन दिया है कि यहां पर ये हमें एक अटैचमेंट दिया है, इसको हम लोग यहां से ओपन कर सकते हैं और एज अ सिपर यूज कर सकते हैं. उसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोग इसको डायरेक्टली यहां से ओपन कर सकते हैं ऊपर से और इसे हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अंदर से ये स्टील का भी दिख रहा है. सो मैंने जो परचेज किया इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि ये है प्रॉपरली इंसुलेटेड, ऑल्सो लीकेज प्रूफ. तो हम लोग उसका डेमो भी देखेंगे कि अभी वैसा है या नहीं. सो ओवरऑल देखने में मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, ये दिखने में तो बिल्कुल एकदम कैमरा लेंस की तरह ही लग रहा है. तो मैं कहूंगी कि अगर आप इसको एज अ डेकोर पीस यूज करना चाहते हैं तो भी अच्छा है. अगर आप गैजेट फ्रीक हैं और आपको लगता है कि आपकी वर्क स्पेस को या फिर आपके होम डेकोर को थोड़ा सा और गैजेट फ्रेंडली बनाना है, गैजेट्स अच्छे लगते हैं वैसा आपको बनाना है, सो यू डेफिनेटली बाय इट. तो अभी तक देखने में तो मुझे अच्छा लग रहा है. सो फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा पानी. पानी मैंने 400 ml तो नहीं लिया है, कम लिया है, तो बट हम उससे भी टेस्ट करके देखेंगे. सो यस, हमने फिल कर लिया है, अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, कैप हमने अच्छे से पैक कर ली है. सो अभी इसका एक बार सिपर ओपन करते हैं. सो यस, अच्छे से पानी फ्लो हो रहा है इसमें, सो दैट्स अ गुड थिंग. अब देखते हैं कि लीकेज प्रूफ है या नहीं. सो अभी इसको एक बार शेक करके देखते हैं. सो फ्रेंड्स यस, शेक करने से तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है. सो इट मींस आप इसको अपनी वर्क प्लेस पर यूज कर सकते हैं, डेली में यूज कर सकते हैं और कार में भी यूज कर सकते हैं. अभी इसको एक बार मैं उल्टा करके देखती हूँ क्या निकलता है पानी इसमें से. सो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पानी है ये थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा है, लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप लीक हो रहा है. सो मैं कहूंगी कि 100% लीकेज प्रूफ तो नहीं है ये. अगर आप इसे ट्रैवल के लिए टाइम पे यूज कर रहे हैं तो आप लोग मेक श्योर रखें कि इसको आप सीधा ही रखें, ज्यादा उल्टा ना होने दें. सो इन दैट केस यू कैन यूज इट. बट सो आई थिंक इसका लीकेज प्रूफ ना होने का कारण ये सिपर काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है, क्योंकि ये सिपर टाइप में यूज करने वाले हैं तो ऑब्वियसली ये एयर टाइट नहीं है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लीक हो रहा है. और इसी को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 100% इंसुलेशन भी नहीं प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये लीक हो रहा है. सो यस, आई कैन से कि 100% लीकेज प्रूफ नहीं है और 100% इंसुलेटेड भी नहीं है. बट स्टिल, इफ यू लाइक इट यू कैन यूज इट. तो ट्रैवल के टाइम पे बस आपको मेक श्योर करना होगा कि आप इसे सीधे ही रखें. सो फ्रेंड्स, अभी एक बार देखते हैं कि अंदर में इसके क्या है. सो यहां पर एक रबर इन्होंने दिया हुआ था ऑलरेडी, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि यस ये लीकेज प्रूफ होगा, बट यस इट्स नॉट वर्किंग दैट वेल. बट स्टिल फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. सो जैसा मैंने बताया कि ये 100% इंसुलेटेड नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसमें कुछ टी या कॉफी ले जाएंगे तो एटलीस्ट 2 to 3 hours वार्म रहेगी. सो यस, वो हमारा पर्पस सॉल्व कर सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ओवरऑल रिव्यूज की बात करूं फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, तो मुझे देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफी फैसिनेटिंग लग रहा है. तो मैं तो इसे रखने वाली हूं इवन दो इट्स नॉट 100% लीकेज प्रूफ, और इसे मैं यूज भी करूंगी केयरफुली, क्योंकि ये जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही दिख रहा है. सो इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, देखने वाइज तो बहुत अच्छा है. अगर आप अपनी वर्क डेस्क पर रखेंगे और बिल्कुल ही ये कैमरा लेंस की तरह लगेगा, तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा. सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज अबाउट दिस प्रोडक्ट. आई होप यू ऑल लाइक इट. अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ. लिव इजी, बी ब्रीजी, बाय बाय.